नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और आने वाला कारोबारी सप्ताह किस कम्युनिटी के लिए कैसा रह सकता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ग्वार गम का मार्च वायदा 10,900 पर ट्रेड कर रहा है, हल्की सी बढ़त है। ग्वार सीड का मार्च वायदा भी 6,007 पर है। रुपा जी, ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो देख रहे हैं कि ग्वार सीड तो 6,000 का लेवल दिखा चुका है, लेकिन कोई ज्यादा खास तेजी बनती नजर नहीं आ रही है ग्वार सीड में। ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम भी 11,000 से अभी भी नीचे ही है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाला कारोबारी सप्ताह भी ग्वार के लिए ऐसा ही बना रहेगा, सीमित दायरे में वाला रेंजबाउंड ही है और एक सीमित दायरे में ही कारोबार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर फिलहाल डिमांड जो है वो काफी कमजोर पड़ चुकी है, जिसकी वजह से कीमतें जो है वो सस्टेन होती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हमने पहले कभी लंबी तेजी भी बनती हुई देखी है और उसके बाद उसको गिरते हुए भी देखा है। अभी फिलहाल जो कच्चा तेल है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के चलते कच्चे तेल में जो तेजी देखने को मिल रही है, उतनी तेजी फिलहाल ग्वार के अंदर आती हुई दिखाई नहीं दी है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि अगर कच्चे तेल में तेजी आती है, क्योंकि कच्चे तेल की ड्रिलिंग के लिए ग्वार गम का यूज किया जाता है और इससे इसकी निर्यात मांग जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतें एक रेंज में फंसकर रह गई है। और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते हैं तो इसमें एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा देख रहे हैं 3132 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि कई दिनों के बाद बिनौला खल 3000 के लेवल के बाद 3100 के ऊपर निकला है, आपको क्या लगता है, क्या आप बिनौला खल में ये जी 3100 का लेवल देखने को मिला है ये सीमित दायरे वाला है या फिर यहाँ से अब तेजी बनना शुरू हो गई है? देखिए, अभी फिलहाल बिनौला खल में कोई तेजी की रुझान नहीं है, यहाँ से अगर बाजार उठता भी है तो मैक्सिमम एक बार 3200 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, मसालों में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मसालों में देख रहे हैं कि मार्च आ चुका है, मार्च में धनिया और जीरे की अराइवल्स हैं और हल्दी की आवकों ने पहले ही मार्केट में जोर पकड़ा हुआ है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अराइवल्स की वजह से मसालों में यहाँ पर अभी कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है? देखिए, मसालों में अगर अराइवल्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली अभी शॉर्ट टर्म में प्राइसेस के अंदर एक गिरावट आ सकती है, शॉर्ट टर्म में बाजार जो है वो लुढ़कते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट काफी सपोर्टिव है और प्रोडक्शन भी इस बार कम बताया जा रहा है, काफी क्रॉप डैमेज है, तो अभी इसके चलते थोड़ा बहुत प्राइसेस जो है वो डिप में जा सकते हैं, लेकिन उसी डिप के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर लॉन्ग टर्म के लिए चला जा सकता है। जी रूपा जी, कैसर में आपको क्या लगता है, कैसर में देख रहे हैं 7,250 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 7,288 का हाई लगा चुका है, आधे फीसदी से ज्यादा की बढ़त है। रूपा जी देख रहे हैं कि कैसर सीड बाकी कम्युनिटीज के मुकाबले काफी शानदार परफॉर्म करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है, कैसर सीड क्या अब यहाँ से 7,500 का भी लेवल दिखा सकता है? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि 7,500 तक का सर कैसर में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, सोयाबीन में क्या लगता है आपको, 7,900 का लेवल तो NCDX पर पहले ही देख चुके हैं, US सोयाबीन वायदा भी $1,670 के ऊपर सस्टेन है, लगातार तेजी है, रशिया यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट रुक चुका है और जो अल्टरनेटिव्स के तौर पर CPO रिफाइंड सोया ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के ऊपर सबकी नजरें हैं, ऐसे में भारत के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं खाद्य तेलों में और क्या किसानों को यहाँ से कुछ फायदा मिल सकता है सोयाबीन में? देखिए, अभी फिलहाल बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इम्पोर्ट जो है अभी नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से कीमतों में उछाल दर्ज किया जा रहा है और अल्टरनेटिव जो एडिबल्स हैं उनकी प्राइसेस के ऊपर इसका असर आता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो तेजी है ये इस पर देखिए डबल प्रॉफिट जो है वो हो सकता है कि खाद्य तेलों को आता हुआ दिखाई दे, एक तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से सपोर्ट आता दिखाई दे रहा है और दूसरा खुद की एडिबल ऑयल के अंदर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड प्रोडक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से कीमतें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी के लिए फिलहाल बाजार तेजी की तरफ है और ये तेजी अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बनी रह सकती है, लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा लंबी तेजी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट अपसाइड में रह सकता है और सोयाबीन जहां तक एक्सपेक्टेड है 8,000 से लेकर ऊपर में 8,500 तक के आसपास भी सस्टेन करता हुआ नजर आ सकता है। जी
रूपा जी, इसके साथ बात करें यहाँ से अगर खाद्य तेलों की, तो सीपीओ हुआ, रिफाइंड सोया ऑयल हुआ, सरसों तेल हुआ, रिटेल में इनके दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट एक ही सप्ताह के दौरान इनमें 10 रुपए से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल चुकी है, किसी किसी तेल में 15 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, तो क्या खाद्य तेलों के दाम अभी लगातार और बढ़ते नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए खाद्य तेल ही नहीं बल्कि और वस्तुओं के दाम भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, चाहे वो दालें हो या फिर मसाले हो, एडिबल ऑयल हो, सबकी कीमतों में आगे चलकर तेजी बन सकती है। क्योंकि एक क्रूड के ऊपर जो तेजी आ रही है, इसका इम्पैक्ट देखिए क्रूड के ऊपर आया और क्रूड की वजह से पेट्रोल और तेल डीजल जो है वो महंगे होंगे और उसका असर दूसरी कमोडिटीज के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी फिलहाल महंगाई चरम सीमा पर जाती हुई नजर आ सकती है। अगर यहाँ पर संकट नहीं रुकता है तो ये महंगाई जो है और ज्यादा बढ़ सकती है और इसका असर सभी वस्तुओं के ऊपर आता हुआ नजर आ सकता है। जी रूपा जी, यहाँ से बात करें अगर वीट की, तो इस कारोबारी सप्ताह हमने देखा है कि शिकागो फ्यूचर पे, शिकागो वायदा में जो वीट है, गेहूं की जो कीमतें हैं, वो 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। आपको क्या लगता है इससे का फायदा भारत को कितना देखने को मिल सकता है और क्या इस बार भारतीय गेहूं किसानों की किस्मत को चमक सकती है? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और कीमतों में उछाल आ सकता है और गेहूं की कीमतें भी ऊपर जा सकती हैं, गेहूं के साथ साथ चीनी में भी तेजी बन सकती है। तो काफी सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जिसमें अब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और इन इन कमोडिटीज के अंदर फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, इसे बात करें अगर कॉटन की, कपास की, तो M6 कॉटन में तो हमने ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है और हाजिर में भी देख रहे हैं कि उसकी उसका असर हाजिर पे भी पड़ता नजर आया है, लेकिन किसानों को हाजिर में कपास के दाम भी काफी अच्छे मिले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और नया बाल अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं मिलने वाला है, तो क्या इस दौरान कपास की कीमतों में अभी और इजाफा संभव है? देखिए कॉटन में फिलहाल इजाफा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो लेवल्स मिल रहे हैं ये लेवल्स काफी अच्छे हैं और यहाँ पर किसानों ने काफी स्टॉक भी किया हुआ है और यहाँ पर अब धीरे धीरे माल लिक्विडेट होता हुआ नजर आएगा। इन प्राइसेस के ऊपर अगर थोड़ा सा भी डिप आया तो और ज्यादा माल जो है बाहर निकल कर आएगा बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ से अब तेजी की जो उम्मीद थी वो कम हो चुकी है और मुझे लगता है कि अभी इतना स्टॉक है कि वो मार्केट में निकल कर आएगा और ये जो सितंबर अक्टूबर तक जो है मार्केट जो है वो इन्हीं रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा नई अराइवल्स आने तक। तो फिलहाल के लिए बाजार जो है इसी रेंज में घूमते दिखाई दे सकते हैं, तेजी की उम्मीद फिलहाल कम होती नजर आ रही है। जी रूपा जी, दर्शकों का सवाल नई लहसुन को लेकर आ रहा है, सब जानना चाह रहे हैं कि नई देसी लहसुन का भाव बढ़ेगा या नहीं। रूपा जी देख रहे हैं कि जो पुराना लहसुन था उसका ही जो आवक है मंडियों में, जो प्रोडक्शन हुआ था वो इतना बम्पर था कि उसी के दाम नहीं मिल पाए, उसके बाद अब देख रहे हैं कि नई देसी लहसुन मंडियों में आ गया है। कुछ खबरें ये भी निकल के सामने है कि जो किसान है मंडियों में अच्छे रेट ना मिलने से अपनी लहसुन को ट्रॉलियों से फेंक दे रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इंडस्ट्रियल डिमांड निकलने से लहसुन की कीमतों में कुछ सुधार संभव है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि गर्मियों का आगमन हो चुका है? देखिए अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि लहसुन के अंदर कोई तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी काफी नीचे चल रहे हैं और अब यहाँ से नई अराइवल का आ जाना और ज्यादा प्रेशर दिखाता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल लहसुन इस साल भी मुझे लगता है कि बाजार उठ नहीं पाएगा, बाजारों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी रूपा जी, आने वाला कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों के लिए कैसा साबित हो सकता है और उनमें कितनी अच्छी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है? आने वाले अगर सप्ताह की बात करें तो आने वाले सप्ताह के अंदर मुझे लगता है कि मसालों के अंदर तेजी का रुझान बन सकता है, मसाले तेज हो सकते हैं और मसालों के साथ साथ ग्वार में भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये कमोडिटीज के अंदर फिलहाल बाइंग करके चला जा सकता है और एडिबल ऑयल पैक की भी तेजी बनी रह सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका इंजॉयगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट MCB पर।